वेलकम बैक। अब बारी हमारे खास सेगमेंट की, जहां हम आपको मिलवाते हैं टीवी पर रेडियो के सितारों से, जो आपको जी बिजनेस पर बताते हैं कि रेडियो की दुनिया में क्या कुछ खास चल रहा है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेडियो सिटी 91.1 एफएम के आरजे सूरी। आरजे सूरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। अच्छा आरजे सूरी, हम रेडियो सिटी को सिटी की आवाज कहते हैं, लेकिन अब हमें सुनने को आ रहा है कि राजस्थान की अपनी भाषा में भी रेडियो सिटी बात करने वाला है, तो मुझे जरा इसके बारे में बताइए, क्योंकि राजस्थान अपने आप में कल्चरली रिच है, काफी रंग बिरंगा शहर है, स्टेट है, तो जरा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो जी के सारे व्यूअर्स को नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं सूरी, रेडियो सिटी 91.9 एफएम, उदयपुर राजस्थान से। और जैसा कि आपने कहा कि हम लोग राजस्थान की कल्चर की ज्यादा बात कर रहे हैं, तो करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो भाषा है वो हमारे यहाँ स्वैग होता है। जैसे कि कोई राजस्थानी अगर कहीं बाहर स्टेट में जाता है, या कहीं किसी भी कंट्री में जाता है, या कहीं और शहर में जाता है, तो वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि यार कोई मेरी बोली, मेरी भाषा बोलने वाला कोई इंसान मुझे मिले। वो आगे से अगर खमागड़ी करता तो उसे बहुत अपनापन सा लगता, अपनापन सा फील होता है। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब राजस्थानी राजस्थान में रहता है ना, तब वो राजस्थानी में बात नहीं करते। तो इस गैप को थोड़ा कम करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है, आपनी भाषा आपनो स्वैग, जहां पर हम राजस्थानी भाषा की बात कर रहे हैं, बात राजस्थानी में कर रहे हैं, आपनी बात कर रहे हैं, और राजस्थानी गानों की बात कर रहे हैं, राजस्थानी गानों को सुना रहे हैं लोगों को, साथ राजस्थानी म्यूजिक जो इंडस्ट्री है उसमें भी बड़ा बदलाव आया है। नए नए आर्टिस्ट आने लगे हैं, नए म्यूजिशियन नए तरीके से गाने बनाने लगे हैं, जो कि यूथ को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो उन आर्टिस्ट को हम लोग फीचर करते हैं, उन आर्टिस्ट की बातें हम हमारे लिसनर्स तक पहुंचाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान मिलकर एक साथ राजस्थान में रहते हुए भी अपनी भाषा अपनो स्वैग रखते हुए अपनी भाषा में बात करेंगे। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम ये सुनने में लग रहा है। अच्छा सूर्य, मुझे ये बताइए, रेडियो सिटी पॉडकास्ट, हम इसके बारे में जानना चाह रहे थे, क्या आप हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैम, एक्चुअली पॉडकास्ट क्योंकि एक इंटरनेशनल ट्रेंड है, लोग आजकल जो है वो लॉन्ग कंटेंट ऑडियो सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। आप उन्हें 10 मिनट 15 मिनट की कोई बढ़िया सी स्टोरी अगर ऑडियो फॉर्मेट में सुनाएंगे तो वो पसंद करते हैं। और इसी ट्रेंड को देखते हुए रेडियो सिटी ने अप्रैल से ही रेडियो सिटी पॉडकास्ट शुरू किया। आप रेडियो सिटी के किसी भी शहर में जहाँ रेडियो सिटी स्टेशन है, वहां अगर आप 11 से 4 ट्यून करते हैं रेडियो सिटी, तो वहां पर आपको कमाल कमाल के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। जैसे कि प्यार मोहब्बत के ऊपर बने पॉडकास्ट हैं, जिंदगी पर बने पॉडकास्ट है, जैसे कि 4MB जिंदगी हमारे एक पॉडकास्ट है जहां पर जिंदगी की बात होती है। एक पॉडकास्ट मैं खुद करता हूँ, अगेन रीजनल लैंग्वेज में, यानी कि मैं राजस्थानी म्यूजिक की बात करता हूँ, गाने सुनाता हूँ और राजस्थानी आर्टिस्ट को फीचर करता हूँ उस पॉडकास्ट में। फूड पर पॉडकास्ट है, यानी कि जिनको खाना पसंद है या खाने के बारे में जानना पसंद है, तो एक हमारा पॉडकास्ट है फूडकास्ट, जिसे आरजे दामिनी होस्ट करती हैं। एक और पॉडकास्ट है पन्ने राजस्थान के, जहां पर राजस्थान की कहावतों की, मुहावरों की बात होती है। तो इस तरीके से पॉडकास्ट से जुड़ रहे हैं लोग, रेडियो सिटी को पॉडकास्ट के साथ बहुत प्यार। सूर्य, आपने बात की राजस्थान के पॉडकास्ट की भी, आपके मॉर्निंग शो में इन दिनों आप मेवाड़ के लिसनर्स के लिए कुछ खास कर रहे हैं, उसके बारे में हमें जरा क्विकली ब्रीफली बता दीजिए। जी, पहले तो लेट सिटी उदयपुर को कौन नहीं जानता मैम, एशिया की सबसे ब्यूटीफुल सिटी है, जो इस सिटी में आता है उससे इस सिटी से प्यार हो जाता है। मैं अपने मॉर्निंग शो में फिलहाल, क्योंकि मानसून में फतेह सागर यहाँ की एक बहुत ही पॉपुलर लेक है, वो जब छलकती है तो यहाँ का एक बड़ा फेस्टिवल होता है। 2 दिन पहले मैं लोगों से पूछा था कि ये कब छलकेगी कब छलकेगी, और आज सुबह वो ओवरफ्लो हुई, पूरा शहर उसे देखने के लिए उमड़ा, तो उसकी मैंने अपने मॉर्निंग शो में बात की। और एक और इनिशिएटिव हमने लिया है स्ट्रीट डॉग को लेकर, मिशन पॉसिबल में हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग आगे आए और आप इंडी ब्रीड को, स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करें, उनकी केयर करें। एटलीस्ट आप अडॉप्ट नहीं कर पाए तो उनको उनका वैक्सीनेशन करवाएं, अपने 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 स्ट्रीट में अगर जो डॉग है तो आप उनको फीड करें। और एक और डॉग को अडॉप्शन के लिए मैं अपील कर रहा हूँ लोगों से कि आप हमारे एक डॉग है ऑडियो, आप उसे अडॉप्ट करें, 3 महीने का बड़ा ही क्यूट सा डॉग है। अगर जी सुनने वाले, जी बिजनेस सुनने वाले लोग अगर उस ऑडियो को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मेरी आईडी इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कर सकते हैं, RJSuri919 पर।
चलिए बारजे सूरी, उम्मीद करते हैं कि आपने जो यहाँ रिक्वेस्ट की है वो हमारे कई दर्शक इस समय जो आपको सुन रहे हैं वो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए।